गंगोह पुलिस ने दुशातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में लगातार पुलिस नशा तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है और उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है। इसी क्रम में गंगोह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो शातिर नशा तस्कर वाजिद उर्फ वाजा इस्लाम पुत्र कमरुद्दीन को भारी मात्रा में नशे के सामान सहित गिरफ्तार किया है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा है। इस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित कर सीओ ने पत्रकारों को जानकारी दी। वो लेटा हो गई। आज सुबह हमारे थाना गंगो की पुलिस के द्वारा संदिग्ध अपराधी और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी में चक्की अभियान चलाया जा रहा था, क्योंकि आज जनपद में माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय का शोभित यूनिवर्सिटी में स्टे था, वहाँ से सहारनपुर जा रहे थे। तो इसके दर्शकर चेकिंग के दौरान गांव मैनपुर के पास में दो संदिग्ध व्यक्तियों को आते हुए देखा। उनको जब पकड़ा, पकड़ के उनकी तलाशी ली तो उनके पास से, दोनों के पास से, एक उसमें पड़ा है इस्लाम सन ऑफ कमरुद्दीन, ये मैनपुर का रहने वाला है। इसके पास से 115 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। बाजिद उर्फ बाजा सन ऑफ जमील आरो बाड़ी मायरा का रहने वाला है। इसके पास से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। इन दोनों का आपराधिक इतिहास ये है, इस्लाम के ऊपर पूर्व में दो मुकदमे दर्ज हैं और बाजिद उर्फ बाजा के विरुद्ध जो 4 मुकदमे पहले से ही पंजीकृत हैं। तो चेकिंग के दौरान में ये वहाँ पर 3 सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उस चेकिंग के दौरान ये दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 25 लाख रुपए है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।